पहला प्रश्न है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का समद्विभाजक कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। ये प्रश्न आपका एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मान लेते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है, मान लिया कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, आसन कोण क्या है, दो कोण का ऐसा योग में जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ होती है उसे आसन कोण का युग्म कहते हैं। तो दो आसन कोण लेते हैं, कोण ए और कोण बी, दो आसन कोण लेते हैं, कोण ए का समद्विभाजक और कोण बी का समद्विभाजक मान लेते हैं बिंदु ओ पर मिलती है। तो प्रश्न कह रहा है कि दो आसन कोण का समद्विभाजक कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि कोण ए तथा कोण बी आसन कोण है और समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग फल 180 डिग्री होता है। अब इसका नाम देते हैं वन, इस कोण का नाम देते हैं टू, इस कोण का नाम देते हैं थ्री, इस कोण का नाम देते हैं कोण फोर। तो कोण ए को लिखेंगे कोण वन प्लस कोण टू प्लस कोण बी का नाम देते हैं कोण थ्री प्लस कोण फोर बराबर 180 डिग्री। ओ ए जो है कोण ए का समद्विभाजक है, कहने का मतलब कोण वन और कोण टू दोनों बराबर है, तो कोण वन को हम टू में बदल देंगे, तो कोण वन को कोण टू में बदल देंगे प्लस कोण टू को रहने देते हैं, प्लस ओ बी जो है कोण बी का समद्विभाजक है मतलब ये दोनों कोण बराबर है, तो कोण फोर को कोण थ्री में बदल देते हैं, तो कोण थ्री प्लस कोण थ्री बराबर 180 डिग्री। यहां लिख देंगे कोण वन बराबर जो है कोण टू एंड कोण फोर बराबर जो है कोण थ्री, तो कोण वन को कोण टू में बदल दिए और कोण फोर को जो है कोण थ्री में बदल दिए। अब बताइए कोण टू प्लस कोण टू कितना हो गया, टू कोण टू और कोण थ्री प्लस कोण थ्री, तो टू कोण थ्री बराबर 180 डिग्री। अब क्या करते हैं टू कॉमन ले लेते हैं, तो टू कॉमन ले लेंगे तो कोण टू प्लस कोण थ्री बराबर 180 डिग्री। तो बताइए कोण टू प्लस कोण थ्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और टू को हम राइट साइड में कर देंगे क्या जाएगा बाय हो जाएगा, तो बाय हो गया तो इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज कोण टू प्लस कोण थ्री बराबर हो गया 90 डिग्री। अब त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो सिंस कोण टू प्लस कोण थ्री प्लस कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी मिला कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल टू प्लस एंगल थ्री का मान कितना निकला है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी बराबर जो है 180 डिग्री। तो बताइए कोण ए ओ बी का मान कितना निकलेगा 180 डिग्री, 90 डिग्री को राइट साइड में कर देंगे तो माइनस 90 डिग्री, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना जाएगा 180 में 90 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 90 डिग्री। तो कोण ए ओ बी का मान कितना निकला 90 डिग्री। कहने का मतलब समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का समद्विभाजक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब बताइए 90 डिग्री किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा।
दूसरा प्रश्न है, यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन कोण का 2/3 गुना है तो सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। ये प्रश्न आपका SSC एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मान लेते हैं कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो एक कोण अपने आसन कोण का 2/3 गुना है। तो मान लेते हैं कोण बी जो है एक्स है, तो छोटा कोण कितना हो जाएगा, एक्स का 2/3 गुना कितना हो जाएगा, 2/3 एक्स। मान लेते हैं कि सबसे बड़ा कोण पहला आसन कोण मान लेते हैं एक्स है, तो दूसरा आसन कोण क्या हो जाएगा, एक्स का 2/3 गुना, तो एक्स का 2/3 गुना क्या हो जाएगा, 2/3 एक्स। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब कोण ए कितना है, 2/3 एक्स, प्लस कोण बी कितना है एक्स बराबर 180 डिग्री, तो 2x/3 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 × x, तो 3x/3 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बताइए 2x + 3x कितना हो गया, 5x, तो 5x/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब गुना 3 को इधर कर दिए तो गुना हो जाएगा, राइट साइड में ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा, 180 डिग्री गुना 3, 5 को इधर कर देंगे तो बटा 5 हो जाएगा, कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 18 × 15 घटा देंगे, शेष बचेगा 3, उतरेगा 0, 30 × 5 = 36, तो 36 × 3 कितना जाएगा, 108 डिग्री। तो बड़ा कोण हो गया कोण b बराबर x बराबर 108 डिग्री, तो कोण b बराबर x बराबर 108 डिग्री। तो बताइए कौन ए कितना होगा, कौन ए आपका हो जाएगा 2x/3, तो 2x का वैल्यू कितना निकला है बताइए, 108 डिग्री, तो 108 डिग्री। अब बटे 3 कटा देंगे, 3 × 3 = 9, 10 में 9 घटा देंगे, शेष बचेगा 1, उतरेगा 8, 18, 3 × 6 = 18, तो बताइए 36 × 9 कितना हो गया, 72 डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा 72 डिग्री, और 72 डिग्री देखिए तो आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण छोटे कोण के दुगुना से 24 डिग्री कम है तो बड़ा कोण का मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपका SSC एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मान लेते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, मान लेते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब क्या कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण छोटे कोण के दुगुना से 24 डिग्री कम है, तो मान लेते हैं छोटा कोण A बराबर x डिग्री है, माना कि छोटा कोण कोण A बराबर x मान लेते हैं, x डिग्री मान लेते हैं, तो बताइए बड़ा कोण कोण B, बड़ा कोण B बराबर क्या हो जाएगा, छोटे कोण के दुगुना से 24 डिग्री कम है, तो बताइए x का दुगुना कितना हो जाएगा, 2x, और 24 डिग्री कम है तो -24 कर दिए, अब क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज ABCD में सिंस कोण A
प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, क्यों? समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण ए कितना है x, प्लस कोण बी कितना है, कोण बी निकला 2x-24 डिग्री, तो 2x-24 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x प्लस 2x कितना जाएगा 3x-24 बराबर 180 डिग्री, तो 3x बराबर कितना जाएगा 180 डिग्री, माइनस 24 को राइट साइड में कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 24, तो बताइए 180 प्लस 24 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 × 2 = 10, 1 + 1 = 2, 204, तो x बराबर कितना हो जाएगा 204 बटे 3 को इधर कर देंगे बता 3 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 20 में 18 घटा देंगे तो शेष कितना होगा 2 उतरेगा 4 = 24, 3 × 8 = 24, तो 68 डिग्री हो गया, तो x का मान निकला 68 डिग्री। x का मतलब छोटा कोण a बराबर x बराबर 68 डिग्री निकला। तो कह रहा है बाढ़ कोण का मान क्या होगा, तो कोण b, बाढ़ कोण b है, बाढ़ कोण कितना है बताइए 2x-24, 2x-24, तो 2x का मान है 68 डिग्री और -24 डिग्री, तो 8 × 16, 14 × 12 = 13, 136 और -24, 6 में 4 घटा देंगे तो 3 में 2 घटा देंगे 1 1, तो करेक्ट आंसर होगा 112 डिग्री, तो बड़ा कोण बी का मान कितना हो जाएगा 112 डिग्री, और 112 डिग्री आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो समचतुर्भुज है तो मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज किसको कहते हैं जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती है उसे समचतुर्भुज कहते हैं, और समचतुर्भुज का विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को समकोण पर समद्विबाहित करते हैं। याद रखिएगा कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विबाहित करते हैं, तो मानते हैं एसी और बीडी एक दूसरे को समकोण पर समद्विबाहित करेगा, बीडी एसी को समद्विबाहित करेगा और एसी जो है बीडी को समद्विबाहित करेगी, तो समचतुर्भुज का विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मान लेते हैं एसी जो है आपका 12 सेंटीमीटर है तो कितना बटेगा 6 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा, दूसरा 16 सेंटीमीटर है तो मान लेते हैं बीडी 16 सेंटीमीटर है तो कितना कितना में बढ़ जाएगा 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा, और कोण ए को बी ये कोण 90 डिग्री है तो लंब की सामने भुजा कर्ण होती है, तो त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में ओ ए बराबर जो है 6 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर जो है 8 सेंटीमीटर, तो ए बी निकल जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब की सामने भुजा कर्ण, तो कर्ण ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर, ओ ए का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस ओ बी, ओ बी का मान कितना है 8, तो 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 × 36 प्लस 8 × 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 + 64 कितना जाएगा 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताइए ए बी का मान कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर को एक साइड से दूसरे से ले जाते हैं क्या होता है स्क्वायर रूट हो जाता है, तो स्क्वायर रूट हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 10, तो 10 सेंटीमीटर,
तो करेक्ट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि उसकी एक भुजा की लंबाई कितना होगा, तो उसकी एक भुजा की लंबाई होगा 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो हमको बताइए किसी को कुछ दिक्कत, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। पांचवा प्रश्न है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण क्रमशः 2x+25° और 3x-5° हैं, तो x का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, दो आसन कोण क्रमशः दिया हुआ है 2x+25। तो मान लेते हैं ये कोण आपको दिया हुआ है 2x+25°, ये दिया हुआ है, और ये कोण आपको दिया हुआ है 3x-5, तो 3x-5° दिया हुआ है। तो x का मान निकालना है क्या होगा। तो क्योंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का योगफल कितना होता है 180°। तो सिंस कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180°, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का योगफल 180°। कोण ए कितना है 2x+25° प्लस कोण बी कितना है 3x-5 बराबर 180°। तो 2x+3x कितना हो गया बताइए, 2x+3x 5x प्लस 25 में 5 माइनस कर देंगे 20 बराबर 180°। तो बताइए 5x बराबर कितना हो जाएगा 180, अब 20 को इधर कर देंगे तो -20 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 180 में 20 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 160, तो 160°। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 160°, 5 को इधर कर देंगे तो बटा 5 हो जाएगा, 5 × 15 = 16 में 15 घटा देंगे शेष बचेगा 1, उतरेगा 0 10, 5 × 10, तो x का मान जो है 32° होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 32°। और बताइए 32° आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा।